उनको आंख में प्रॉब्लम हो गई, आंख में अंधेरा, आंखों में अंधेरा आने लगा, अभी आंख को देखना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत सारे वैद्यों को बोला है लेकिन कोई ठिकाना उनका पड़ता नहीं है, बहुत सारी दवाइयां दी लेकिन आंख अच्छी नहीं हो रही। एक वैद्य को बुलाया, तू जो भी चाहे मैं तेरे को दे दूंगा, मेरी आंख अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा एक वैद्य भी मिल गया, उनकी आंखों की ट्रीटमेंट की, 5-7 दिन में उनकी आंखों एकदम बढ़िया हो गई, अच्छी हो गई, वो आंखों को दिखने लगा। उन्हें उनको जो भी धन मांगा, पैसा मांगा, जितना सोना मोर मांगा, सारा कुछ दे दिया और वो अपने मार्ग पर चलने लगा, चल पड़ा। कौन भाई? अभी राजा के मन में विचार आता है, इन्होंने तो मेरी आंख की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन ला दिया, दूसरी बार अगर प्रॉब्लम हुई तो बार बार उनको मैं बुलाऊंगा, अगर वो भी अगर शायद कलयुग के मर गया तो मेरी आंखों को दूसरी बार ये प्रॉब्लम हो गई तो वो रेसिपी जो है वो कैसे बनाई, दवा वो कैसे लगाई जाती था, वही अगर मैं सीख लूं तो मेरे को कोई आगे जाके भी झंझट मारी नहीं। आजकल लोग 7 पेटी का सब सोचते हैं, ये जो पेटी चल रही है उसका नहीं सोच रहे, मैं भी कुछ रख के जाऊं, कुछ पहले से बना के जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जितना पुण्य होगा ना उतना ही मिलने वाला है आपके बच्चे को, आपका बच्चा जो गए होगा पुण्य लेके आया होगा ना वही उनको मिलने वाला है। ये राजा को इच्छा हो गई नहीं उनकी रेसिपी मेरे को चाहिए कि वो दवा उन्होंने कैसे बनाई। ताबड़तोब सैनिक को भेजते हैं, वैद्य को वापस बुलाते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, भाई तूने मेरी आंख जो ठीक कर दी लेकिन कैसे की, उनकी दवा या रेसिपी मेरे को चाहिए। राजा की आज्ञा थी, अगर वो नहीं दे तो उनको कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सारी रेसिपी बताने की शुरुआत की, उन्होंने बताया कबूतर होता है ना हिंदी में क्या बोलते हैं कबूतर, अभी तो हिंदी के कबूतर जो होता है उनका खून निकाला जाता है, कबूतर का खून निकाला जाता है। सारा खून निकालने के बाद मतलब कितना खून, एक कटोरी, पहले के जमाने में पता है कटोरी आती थी, किसी को चाय या दूध देना होता है ना, कोई मेहमान है किसमें दे देते, और आजकल आपका ग्लास गला भी पीना होगा, आपके घर में कोई बाहर से मेहमान आता है आपका जो कांच का ग्लास होता है कटोरी, समझ लो ना आप जो पहले के जमाने में या तो 50 साल पहले जो भी घर में दूध पीते कटोरी में पीते थे, ग्लास में पीते थे, कांच के ग्लास में पीते थे। कांच का ग्लास बाहर से दिखता है बड़ा, अंदर कितना आता है छोटा। उन्होंने बोला कटोरी भर के खून निकालना पड़ेगा, उनके लिए कितने भी कबूतर की जरूरत पड़े कटोरी भर के कबूतर का खून निकालेगा, उनको 6 महीने तक घुटने का, कितना महीना, 6 महीने तक घुटने का उनका जो पाउडर बनता है वो आंखों में लगाने। राजा एकदम खड़ा हुआ है, अरे तूने क्या कर दिया, मेरी एक आंख के लिए कबूतर को मार डाला, मेरे को ऐसी आंख नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी दवाइयां नहीं चाहिए। वो एकदम जीव दया प्रेमी था, बोले एक मेरी आंख की दवाइयां के लिए तुमने कबूतर को मार डाला, ऐसी मेरी तो कोई दवा नहीं चाहिए। और एकदम खड़ा हो गया, पश्चाताप करने लगा, मेरी वजह से कोई जीव की हिंसा नहीं हुई। अगर आपको कैंसर हो, कुछ बीमारी हो, कुछ भी बीमारी, मत लेना पड़े तो ले लोगे आप दवाइयां के लिए, डॉक्टर ने बोल दिया आपको मध लेना पड़ेगा, शास्त्र ने बोला है कि 7 व्यसन वो 5 मदिरा के अंदर मध का भी नाम आता है, तो आप मध लेंगे लोगे ना। अभी की जो दवाई आती है उसमें अंदर क्या क्या लिखा हुआ होता है वो आप देखते हो, सब पीछे रहता है कि किसमें बना है। अगर आपने नेट पर सर्च किया ना उनका नाम और मीनिंग, तो भी शायद तो आइडिया आपको आ जाएगा किसमें से बनता है, या तो वेज है या नॉन वेज, वो भी आता है दवाइयों के साथ होता है, खाने का तो पता है। ये राजा खड़ा हो गया कि मेरे को ऐसी दवाइयां नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी रेसिपी नहीं चाहिए, आज तक तुमने यूज किया मेरे पर, कल उसके किसी के पर भी मत करना, अगर मेरे को पता चला तो मैं तेरे को मार दूंगा। राजा खड़ा होगा लेकिन राजा को भी चैन नहीं पड़ता है। राजा ने बोला कि पहले मेरी आंख खोल डालो, पहले मेरी आंख खोल डालो, मेरे को ऐसी आंख नहीं चाहिए। कोई उनकी राज्यसभा में कोई खड़ा नहीं होता है, राजा से अभी चैन नहीं पड़ता है, बोले आंख भी मेरे को नहीं चाहिए, अभी तो मेरे को जीना भी नहीं, इतना पश्चाताप में आ गया, मेरी वजह से इतने कबूतरों को मार डाला। राजा खड़ा हो गया, खुद के माध्यम से तलवार निकाली, अपना पूरा शीश उड़ा दिया, सारे राज्यसभा के सामने, सारी पब्लिक के सामने, वैद्य के सामने, और काटने से पहले वही बोला कि
इन्हीं आलम मन लेना कि अगर कोई जीव की हिंसा होती है हमारी वजह से तो हम नहीं जिएंगे, वो जीव को बचाएंगे। और शीस का बलिदान दे दिया, यानी वहां से निकल कर सिसोदिया वहां से उनके जो बच्चे थे, उनका जो परिवार था, वहां से जो वंश निकला वो सिसोदिया वंश निकला। एक राजा ने एक कबूतर पता चला पीछे से गलती से हो गया है, अब तो ऐसा मानते हो गलती से हो गया पाप चलता है, जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए, गलती से चलता है। आपको बाद में पता चलता है कि ये पाप मैंने किया हुआ है, गलती से उठ गया वो पाप चलता है। ये राजे को पता चला गलती हो गई, अभी क्या कबूतर भी मर गया, जो मरना था तो वो मर गया, आंख ठीक हो गई वो ही ठीक हो गई, आगे से वो दवा नहीं लगाई, ऐसा भी बोल सकता था आगे से मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ता है, मेरी वजह से कबूतर मर गया, अपना खुद का सिर अपने हाथों से उड़ा दिया। इनको बोलते हैं महापुरुष। आप सुबह उठेंगे चाय बनाने के लिए, शायद उधर चिटिया होगी, चलिना कुछ नहीं किया आपने, चरौटी से साफ नहीं किया, पूजनी से साफ नहीं किया, और एक चिटिया वहां मर गई, समझ लो एक मर्दे के ऊपर अगर आपकी चाय बनती है, अगर वो आप चाय पियोगे तो क्या आपको अहिंसा के भाव आपके दिमाग में आएंगे? एक चिट्ठिया भी एक मरता ही हो गया, उनके उनके विश्व के लिए तो उनका भी एक विश्व है, आप समझते होगे कि आपका ही विश्व से, ऐसा कुछ नहीं है, एक चिट्ठिया का भी एक विश्व है, उनका भी एक खुद का एक परिवार है, खाली उतना है कि उनकी इंद्रिया नहीं है, उनकी जो काया है वो उनके साइज के हिसाब से, बाकी उनका भी एक विश्व है, उनका भी एक घर बनना है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता किसी का घर को हम तोड़ जाए। सप्ताह ऐसा कोई रूल से बेलो का के सुबह उठ के सबसे पहले से साफ करते, उसके बाद ही आपका रसोड़ा स्टार्ट होगा, और खाने के बाद वासन मांजने वाली है, कब वासन मांजने का कि खुद मांज लेंगे, क्या हुआ ये तो इससे बड़ा पाप तो इसमें लगता है, जितिया से ज्यादा इसमें पाप लगता है। देखो ये जो अपना झूठा खाना रहता है, 48 महीने के बाद पंचेंद्रिय जीव पैदा होते हैं, पंचेंद्रिय जीव मतलब 5 इंद्रिया है लेकिन कैसी सूक्ष्म है, मतलब चिटिया को कितनी इंद्रिया है, कितनी इंद्रिया है, 2 इंद्रिया है, और ये खाने के बाद पैदा होने वाले जो जीव कितनी इंद्रिया है, 5 इंद्रिय, खाली फर्क उतना है सूक्ष्म पंचेंद्रिय जीव यानी कि सूक्ष्म यानी कि हम देख नहीं सकते। भगवान ने बोला है कि 48 महीने का सूक्ष्म पंचेंद्रिय जीव असंख्य पैदा होते हैं, जो आप एक साथ में असंख्य चिट्ठिया पर पाव रखोगे आपका ऐसे कभी जीव चलेगा, जान उसके पाव रखने नहीं रखोगे ना, क्योंकि आपको वो जीव दिखता है, इधर उतना फर्क है, वहां तो असंख्य भी नहीं हो सकता है, यहाँ तो असंख्य वो भी पंचेंद्रिय जीव, तो कैसे हम झूठा रख सकते हैं? काम वाली आई तब दोनों का आपको पता चला गया अभी ये ले जाएगी हम दो डालेंगे, 45 मिनट तक वेट करो, 46 मिनट जैसे भी आप दो डालो नहीं चलता है, कई लोग ऐसा भी रात का रख देते सुबह आते धोते हैं, नहीं कचकच मत करो, ऐसा है आपके घर पे, अरे आपके घर में होगा दूसरे के बाजू वाले के घर में होगा, होता है ऐसा कुछ नहीं, 50% तो ऐसे होंगे क्या भाई, खुद नहीं करने के लिए कचकच आ, अपनी बात 48 मिनट के बाद होना चाहिए। ये खाने की थाली समझ लो, बाकी समझ लो आप पानी पीने का ग्लास है, कहीं और कई की जगह आप पानी पीते हो तो ग्लास को खोसते हो तो वो भी 48 मिनट होने का, वो भी समूचिंग हो गया। आपके घर में भी अगर आप भी पानी पीते हो तो भी एक शुद्ध वस्त्र से ग्लास को पोछना चाहिए, कहीं भी गीला दिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये तो ग्लास पानी पिया वापस धोया रख दिया, ऐसा ही है इधर से ग्लास को पोछने वाले, मैं उनका उबाले हुआ पानी की नहीं नॉर्मल बात कर रहा हूं, वो आप पानी पीने के बाद ग्लास पोछने वाले की तरह कोई नहीं, आपको कोई पाप नहीं लगता है क्या, पंचेंद्रिय जीव का पाप नहीं लगता है। 48 मिनट में भगवान ने बोला है कि अपने शरीर से निकला हुआ कोई भी मन हो या अपने शरीर से कोई भी निकला हुआ अशुद्ध द्रव्य अगर अपने शरीर से बाहर निकलता है 48 मिनट के बाद उनके अंदर असंख्य समूचीन पंचेंद्रिय जीव पैदा होते हैं। आपको क्या बड़ी बड़ी जीविंसा दिखती है, ऐसे कतल खाना बंद करने की बात करते हैं और अपने रोज समूचे पंचेंद्रिय आप लोग वो भी नहीं चलता। देखो ऊपर से आप पीते हो डायरेक्ट कनेक्शन आता है सीधा, और शायद एक छोटा सा टीपा उधर लग गया डायरेक्ट तो पीना ही नहीं, वो गलत डायरेक्ट
थोड़ा भी उधर लगता है। दूसरी बात, अगर आप आपने अब पानी एक गिलास आपने पिया, आपको दूसरा गिलास पीना है, मटके में से लेना है, तो पोछने के बाद दूसरी बार लेने का, वो भी पोछना पड़ता है। अगर आप ले रहे हो इधर का एक छोटा सा भी डिब्बा आपके मटके में गिर गया फर्स्ट लेने के गए, तो भी पूरा पानी आपका समुद्री हो जाएगा, ऊपर से भी नहीं पीनेगा, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऊपर से कैसे चले, ऊपर से भी नहीं पीने, ऐसा समस्या क्यों रखते हैं, ऊपर से भी नहीं, ऐसा ही बोलो ना, हम पहुंच ही देंगे। आप स्पीकर मोबाइल में बोले डायरेक्ट यूज करो, आखिर तो है ही सेंड, तो बोले हम स्पीकर मोबाइल में बोलते हैं, कोई बोलते हैं हम डायरेक्ट यूज करते हैं, आखिर तो है सेंड ना, बात तो एक ही हुई ना, अपनी बात है समूचे पंचतंत्र जीव हम बचाएंगे। आज तक भले नहीं कि आपसे सब संकल्प करो, आज के बाद कहीं भी जाएंगे, चाहे शेरी अगन्ने वाले के पास गए, तो वो अभी आप सोचो वो क्या करता है, पूछता है कितने लोगों का थूक आपके पेट के अंदर आता है, सोचो खाने, वो तो एक बार आता है वो आता है, वो तो कितने टाइम से होगा, पानी पूरी वाला रिश्तो होता है वो पूछता है, उधर आपको ऐसा नहीं लगता है कुछ दूध अच्छा नहीं आती है, और आपके सामने वो थूक डालता है उसके अंदर, तो आप खाओगे, क्योंकि आपको दिखता है वहां दिखता नहीं है, उतना ही फर्क है। कोई गन्ने वाला, कोई पानी पूरी, कोई होटल वाला पूछता तो कभी नहीं, और वैसी होटलों में जाके आप बैठ जाते हो, वहां के ग्लासों में पानी पीते हो, ये क्या चीजें हुई, समूची पंचेंद्रिय आपको खुद बचाते नहीं है, और बाहर की चीजें करने को निकल पड़ते हैं, करते हैं वो अच्छा है, लेकिन पहले अपना भी करो, फिर अपने भगवान ने बोला है पहले खुद का कल्याण करो फिर दूसरे का कल्याण करने का, भगवान चाहे ना तो हर दसाई को खाली आंख खड़ी करते तो उसका कतलकार उड़ जाता था, बॉम ब्लास्ट की तरह, भगवान की इतनी ताकत थी, बताए अगर भगवान जब छोटे थे बच्चे थे अभी अभी पैदा हुए थे, किसी इंद्र ने शंका कर दी कि इतने छोटे बच्चे में क्या ताकत होती, भगवान ने एक अंकुश टच किया मेरु पर्वत के बाद पूरा मेरु पर्वत हिल जाए, मेरु पर्वत यानी क्या, आपका पूरा वर्ल्ड भी मेरु पर्वत के सामने छोटा, इतना बड़ा मेरु पर्वत भगवान ने खाली टच किया, पूरा मेरु पर्वत डोलने लगा, डांस करने लगा पूरा मेरु पर्वत, तो भगवान में इतनी सारी ताकत थी, भगवान सोच सकते थे भाई मैं जब जिंदा होऊंगा ना तो जितने सारे कसाई हैं उसको उनका डालूंगा, हो सकता था, भगवान ने खुद का कल्याण किया कि दूसरे का कल्याण किया, पहले क्या किया, क्या पहले क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, अब ज्यादा उपदेश अपने आत्मा को देते हो कि दूसरे को देते हो, दूसरे को उपदेश देना अच्छा लगता है, कोई अपने को उपदेश करे तो वो अच्छा नहीं लगता है, अपनी बारी समूची पंचिंद्रिय जीव को आपसे हम बचाएंगे, वो सबसे बड़ी चीज है यार, हमारी परंतु सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो भी पंचिंद्रिय है, एक बेल को मारो एक समूची पंचिंद्रिय को असीम पाप लगता है, खाली उतना है कि इतनी इंद्रिय दिखती नहीं, अभी समझ लो आप रोज के कितने बेल जीते जीव मारते हो, हमको बताए हमारे गुरुदेव के साथ वो, आप पिछली बार समझ लेना, आप जो कपड़ा आपको धोना है आप एरियल के अंदर डालते हो, बाल्टी के अंदर डाला, 48 मिनट के बाद आपको धोना ही पड़ता है, या तो 48 मिनट से पहले आपको एक बार हिला देना पड़ता है, तो दूसरे 48 मिनट तक उसमें जीव कहता नहीं होंगे, हमारे से कई बार अगर होगा तो हमारे गुरुदेव हमको क्या डांटते थे, उनको हमको वो पता है कि भाई कितना पाप लगता है, आप 2-3 घंटा ऐसे ही पड़े रहे तो जब जी आएंगे तब तोले तो इतने सारे जीवन पैदा हो जाएंगे, अगर आपको लगता है कि लेट होने वाले हैं तो 48 मिनट से पहले उसको हिला दो, दूसरी 48 मिनट से पहले उसको हिला दो, तो जीव पैदा नहीं होंगे, सूक्ष्म जीवन का पालन करना है, वो भी ये सब चीजें अपने खुद को करना है, दूसरों को कराना भी नहीं, दूसरों को कराएगा तो उनके ऊपर डिपेंड, उनके भाव आएगा तो वो करेगा, मैं किसी को जबरदस्ती बोल दूंगा भाई किसी कतल खाना वाले को भाई तेरे को बंद करना ही पड़े, उसके ऊपर डिपेंड है, अगर वो बैकेंड में भी करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ कर सकने वाले वहां आपकी ताकत है कि देर तक कतल खान लिखने के लिए जाओ, जाओगे कभी गए हो देखने के लिए, मैं ये देवनाथ नगर बहुत बार सुना है कतल खाना कैसा है, देख के आए कभी गए, क्या डर लगता है, अपुन जाएंगे तो अपने को क्या करेंगे, अगर उनको लगा भी अहिंसा प्रेमी है तो क्या करेंगे, काट डालेंगे, जीव सबको प्यार है, कैसा उधर कैसा डर लगता है मेरे को काट डालेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, कितना आपका जीव कितना प्यारा है, तो एक समूचे जीव को हम कैसे मार सकते हैं, ऐसे एरिया से भी आप पास नहीं होते हो, जबरदस्त मुस्लिम का एरिया हो आपको पता चल गया मे भी कोई पूर्णिमा होने वाले वहां से पास होके घर में फूल अंदर हो जाए, अपनी बात ही समूची पंचेंद्रिय जीव को हम हाथ से बचाएंगे, बराबर है, चाहे खाना खाओ खाली धोके पीने का, धोने के बाद पोछने का, खाली धोके पीना इंपोर्टेंट नहीं है,
धोने के बाद पोछा तो ही चलता है। आपने खाली थाली धो लिया और बोले कि मेरे को अमल का फल मिलेगा, वैसे भी नहीं मिलता है। पूरा थाली को एक शुद्ध कपड़े से साफ करना पड़ता है। आगे बाद वो शुद्ध कपड़ा भी है ना, अभी सूक्ष्म में और जाता है, वो भी आपको शाम को धोना पड़ता है, जो रात्रि बोलो का पाप लगता है। ऐसा कुछ करता है जो आपने वो कपड़े से जिस कपड़े से पोछा उसको सबसे पहले सुखा देना चाहिए, उनकी भी 48 मिनट नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी 48 मिनट गिला हो गया ना तो उनमें भी जीव पैदा हो जाएंगे। और शाम को भी नहीं धोया वो भी नहीं चलता है, शाम को पहले उनको साफ करना पड़ता है, दूसरे दिन वो कपड़ा यूज होता है। देखो अपना जैन शासन कितना महान, ऐसे कोई धर्म में बताया हुआ है? एक एक जीव बचे ऐसी भगवान ने प्रतिक्रिया बताई। भगवान ने कितना नॉलेज होगा, भगवान ने ये बताया कि ऐसा तू कर, भगवान ने बोला तू दूसरों को बचा, दूसरे जीव को बचा, भगवान ने ये बोला है। जूते का पालन खुद करो, आज से सब पालन करेंगे, घर में कपड़ा रखेंगे उसका कोई एक नाम रख दो, हमारा जो पात्र उसमें का होता है ना उनको क्या बोलते हैं पता है किसी को? कपड़ा वो भी पता नहीं क्या नहीं बराबर है, लूणा बोलते हैं, राइट राइट, ऐसा ऑर्डर लगाओ बाकी का ऑर्डर आप लगा के समझ लो कि आपके अंदर कमंड है, बराबर है? मैं भाइयों को याद बोलता हूँ, आप करो ना तो इनमें तो ऑटोमेटिक आने वाला, ये लोग तो खुश होता नहीं, कुछ फर्क तो पड़ा इनके जीवन में। आज कहीं यहाँ बैठे की अच्छा ही किए, पहली बार किसी ने मावा मसाला छोड़ा है, कई लोग इधर बैठे है। हाँ तो हो सकता है जीवन परिवर्तन सबका, भगवान के टाइम भगवान के उपदेश से रोज की कतलेआम करने वाला उधर अभी दीक्षा ले, उधर कोई कैसे सोच सकता है? उपदेश किसी को भी चेंज कर सकता है ये, और ये तो भगवान की वाणी है, कल सूत्र सब भगवान की वाणी है। अपनी बातें हम कोई जीव की इंसान नहीं करेंगे, आठ दिन ऐसा नहीं, लाइफ टाइम तक आपको पता, अभी तो आपको पता चल गया, अभी तक तो जान बुझ के था, अभी पता चल गया ना, उन्होंने पता चल गया कि मेरे से कोई जीव मर गया अपना शीश काट दिया, अभी आपको पता चल गया। अगर गलती से भी होता है तो थोड़ा आपको दिल में दर्द होना चाहिए, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। आगे चलते फर्स्ट कर्तव्य अवमारी परिवर्तन, सेकंड कर्तव्य साधन विभक्ति, थर्ड कर्तव्य पारस्परिक क्षमापना, जिनके पास की अपना अनबना हो गया उनसे क्षमापना मांग लो, चाहे साधु हो चाहे साधी हो चाहे सावक हो चाहे सालिका हो। एक महात्मा थे, कुछ तप करने की ताकत नहीं थी, एक भी उपवास करना होता ना तो उनके लिए कभी किया ही नहीं, क्योंकि उनका ऐसा एक अंतराय कर्म का उदय था, अपने एक तप अंतराय कर्म एक उदय होता है कि वो इंसान को कितनी भी इच्छा हो जाए लेकिन वो उपवास क्या है, एक वैष्णव भी नहीं कर सकता, तो उनका एक कर्म का उदय था, क्योंकि गए हुए कोई तपस्वी की शायद निंदा करी होगी। एक बात याद रखना, अगर आप किसी को तप करने से रोकते हो, तप करने वाले की निंदा करके दूसरे भाव में आपसे एक वैष्णव या एक नौकाशी भी नहीं होगी, है निंदा करने वाले इधर को निंदा यानी समझते हो ना। अगर आपके घर में कोई कर रहा है आपने ना बोला उसका मतलब क्या हुआ? कोई कर रहा है किसकी भावना है कि मेरे को सिद्ध करना है, मेरे को अच्छा करना है, उनको प्रमोट करना चाहिए कि उसको बिठा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आपका बच्चा बिजनेस में 1,00,000 रुपया एक दिन में कमा के लाया तो आप क्या बोलोगे? अभी तो दूसरी बार कमा के लाया है तो ऐसा बोलोगे कि बोला बेटा और आगे बढ़, क्या बोलोगे? 28 से ज्यादा लाभ होता है कि 1,00,000 से ज्यादा लाभ होता है? किससे होता है बोलो तो सही, ज्यादा महान कौन है? अच्छाई है। आपके घर में जो भी अच्छाई करेगा आप उनको 1,00,000 रुपया दे देंगे, आपने बोला ना 1,00,000 से ज्यादा महान अच्छाई, आपके घर में जो करे उनको ही, बाहर वाले को भी नहीं, सबकी बात करता बोलो दे दोगे? लगे ना उनको नहीं यार मैंने अच्छाई की, उनको बोला कि आपको धर्म में वापरना है, धर्म में जहां वापरना है उधर वापरना, तो आपने रियल में बोलना होती आपके लिए 1,00,000 कुछ बड़ी बात नहीं, और भी आपके घर में ही जाने वाले में डाला हुआ ही किचन में गिरने वाला, लेकिन उनको लगेगा नहीं मैंने अट्ठाई दी। एक आपकी बहू अगर आपने दे दिया भले ना 20 साल तक अपने माँ बाप के उधर थे, 20 साल के बाद अपना पूरा सारा छोड़ के यहाँ आ गई, उनको कैसा फील होगा? खाली सोचो लाइफ टाइम तक वो आपको नहीं भूलेगी, 10 बार अंदर से अनुभव ना करेगी क्या? भले ऐसा किसी को लालच नहीं होती, ऐसी आपकी भावना होनी चाहिए, लालच तो है ना छोटे बच्चे को भी होती है। कल यार शाम को यहाँ कॉम्पिटिशन था ना, बहुत रिमांड किया मैंने, जो छोटे बच्चे को कवर देते थे ना पहले आके वो नॉट चेक करता, सभी बच्चे को देखो
सबसे पहले आके फटाफट कवर खोल के ऐसा देखे कि अंदर रख देगा। 6 साल का बच्चा, 7 साल, सब बच्चे, मतलब ऐसे तो 40% मैंने देखे, लालच सबको होती है। छोटा बच्चा आपको बड़े में बड़ी लालच, छोटे बच्चे छोटे में खुश हो जाते हैं, लालच सबको होती है। मतलब गलत लालच नहीं, जिंदगी में मैंने इतना अच्छा किया तो मेरे को भी मिलना चाहिए, अपनी बात है। छोटे जीव को भी लालच होती है, तो कोई अगर अट्ठाई करता है उनको कभी रुकना नहीं चाहिए। किसी की भावना में उनको प्रबल करो, भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मुनि के एक उपवास भी नहीं होता था, एक नौकर सी होती थी बस, और के अलावा कभी ज्यादा पछका नहीं कर सकते थे। समझरी का दीना है, खुशी लेने के लिए गए और लेके रिटर्न आ रहे थे। पछकान कर सकते थे, कभी भी उपवास नहीं किया हुआ था, कभी एकाशन नहीं किया था, कभी बैठना नहीं किया था। अभी खुशी लेके आ रहे, समझ चली का दिन था, और उनके साथ जितने भी महात्मा थे, जितने भी साधु थे, सारे तपस्वी थे। वो भी याद रखना, अगर किसी ने बोला तो उसको भी मत करना, भाई तुम तो कुछ करते भी नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी आपका सबका एक अभिमान हो गया। सारे जितने भी साधु दूसरे थे ना, उनके पर टूट पड़े, क्या समझ चली है, कुछ समझ में नहीं आता है, आज तो उपवास करना चाहिए ना, आज तो उपवास करना चाहिए। भगवान कुछ नहीं बोले, उनको पता है मेरे से होता नहीं, लेकिन सामने रिप्लाई भी नहीं दिया, भाई आपसे होना है तो करो, मेरे को क्यों बोल रहे, ऐसा भी नहीं बोले। अगर आपको कोई बोले तो खाली उतना ही बोले, भाई व्याख्यान में जाओ, तुमको जाना है तो जाओ, मेरे को नहीं बोलेगा, ऐसा आजकल हो गया। आपको करना है तो करो, हमको नहीं बोलेगा, बस यही बात आती है। मुनि भगवान कुछ नहीं बोले, अपने मनोमन एक पश्चाताप करने लगे कि दिखता है मुझको, मैं समझचरी के दिन भी मैं उपवास नहीं कर सकता हूं, समझचरी के दिन भी मैं उपवास नहीं कर सकता हूं, दिखता है मेरे को। अपने गोची रूम में आ गए, पश्चाताप करने लगे। अभी सब मुनि भगवान जी ने वो गोची रूम में आए, उनको अभी चैन नहीं पड़ता है, उनको भी इतने सपोर्ट वो लोग, उपवास के पारण है उपवास, छठ के पारण है छठ, अष्टम के पारण है अष्टम, इतने बड़े तपस्वी थे। और उनका ऐसा एक वो भी था कि भी अपने भी उनको जाके बोले, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा घमंड आ गया था कि इसने समझ चली है फिर भी क्यों नहीं किया। आपके घर में अगर एक बच्चा 1 करोड़ कमाता हो, एक बच्चा कुछ भी नहीं कमाता था, पूरा दिन बोलोगे ना उसको, टॉर्चर करोगे ना, भाई तू कुछ कर, लेकिन उनका पुण्य नहीं है, वो क्या करेगा। तो उनका भी ऐसा था, उनका कुछ ऐसे शक्ति नहीं थी, ऐसा एक कर्म का उदय था, वो तभी नहीं कर सकते थे। सारे अपने ऊपर उधर आए, उनकी जो गोचरी थी उनके अंदर झुके, कौन थे लेने को पता, उनकी गोचरी के अंदर झुके। आपके थाने में अगर कोई झुके तो पाठ लगा लेते, कैसी बात लगा दे, एक्शन रिप्ले करके देखा, मजा लेके मेरी थाली में रुके आए बराबर, वो भी थाली में रुके तो आप छोड़ते नहीं, मेरे ख्याल से दूसरे डायमंड हो जाता और कुछ नहीं होता। ये सब मुनि आके दुखे, उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं दिया, उल्टी खुद की निंदा करे कि मेरे को धिक्कार है, मेरे को समझ लीजिए उपवास करना चाहिए, मेरे से हो नहीं सकता है। इतना बशर करते ही जाते हैं, करते ही जाते, और सीता धीरे 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 सयोक्षम भाव में चढ़ते गए, शव श्रेणी में आ गए, और सीता उधर ही केवल ज्ञान हो गया, पश्चाताप करते करते सीता के योग ज्ञान हो गए। अगर उनके सामने रिप्ले दिया होता तो आप अगर सामने आ जाए तो एक बड़ी आवाज से बोलेगा, दूसरा एक बड़ी आवाज से बोलेगा, क्या होगा, एक को तो शांत रहना पड़ेगा, सामोदय आप तो तू थे पाणी ऐसे प्रभु विरनी, सब समझते तो सब है, आपको तो समझ में भी आता है फिर भी करते नहीं हो। अगर सामने वाला बड़ी आवाज से बोलता है, हम उनके सामने बड़ी आवाज से नहीं बोलेंगे, चाहे घर में हो चाहे कहीं भी जगह पे हो, एक को तो शांत रहना ही पड़ेगा, दोनों अगर सामने आ गए तो बड़ा ही होने वाला है। ये मुनि भगवान कुछ नहीं बोले, सीधा केवल ज्ञान हो गया। अभी जब भी अपने शास्त्र का रूल लेके जब भी केवल ज्ञान होता है तो मेल देवी अवश्य पधारते हैं, केवल ज्ञान का महोत्सव करते हैं। सबसे पहले एक डेली एंटर हुई उपवास लेके अंदर, ये मुनि भगवान अपने गोची रूम में थे, और बाहर वो मुनि भगवान चले गए थे अपने हॉल के अंदर, और जैसे ही देवी एंटर हुई मुनि भगवान लोगों को क्या लगा, तपस्वी मुनि भगवान लोगों को, ये हमारे तप के प्रभाव से आई है, क्या समझ में आया, हमारा टप का प्रभाव है तो कोई देवी आई है। देवी ने उनके सामने भी नहीं देखा, सीधी चली गई अंदर, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, भैया तब तो हमने किया है और जा रही तो उधर, पीछे मुड़के देवी ने बोल दिया, सबूर अगर कोई कोई कुछ बोला है तो आपने जो धूप आप जो धूके हो
आपके झुकने से जो खाने वाले थे पूर्वी वो अपने की निंदा कर रहे थे, आपकी निंदा नहीं करते थे, और ऐसे भाव में चढ़ते थे, पश्चाताप में भाव में चढ़ गए, उनको क्यों ज्ञान हुआ है, उनका क्यों ज्ञान मौसम भय करने को आई, वो लोग भी फिर रोने लग गए। सीधा आके सारे मुनि क्यों ज्ञान के भाव में पड़ गया, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, और उधर ही क्यों ज्ञान का मौसम हो जाता है, अपनी बात एक पश्चाताप में भी क्यों ज्ञान हो गया, खाते खाते क्यों ज्ञान, क्या समझ सकते हो, अनलिमिटेड अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चरित्र, यहाँ बैठे बैठे कहीं का भी 14 लोग का देख सकते हैं, आपका भी देख सकते हैं, पूर्व भूमि में क्या थे, अतीत अनागत वर्तमान सब देख सकते हैं, ऐसा क्यों ज्ञान खाते खाते हो गए। समापना का इतना इंपॉर्टेंट है, समापना है, मिच्छा में दुकड़म बोलना है, कैसे बोलना है, पारस्परिक समापना, मिच्छा में दुकड़म कैसे बोलना है, किसी को लाफा लगाओ फिर बोलो मिच्छा में दुबड़ो, दूसरा लाफा लगाओ फिर मिच्छा में दुबड़ो, तीसरा लाफा लगाओ मिच्छा में, ऐसा चलता है, गलती करो फिर मिच्छा में उड़ाओ, दूसरी गलती करो फिर भी मिच्छा में उड़ाओ, ऐसा चलता है, फिर रियल में लेना चाहिए। एक बाल मुनि के साथ एक गुरु भगवान विवाह कर रहे थे, बहुत छोटे बाल मुनि, रियल स्टोरी है, आपको पहले बोलना पड़ता है रियल, जब रील बहुत देखते हो ना, छोटे थे पर छोटे होता है तो ऐसे भी कुछ होता है, जैसे ये बच्चा भी हिला रहा है ना, ऐसे छोटे बच्चे थे, बाल मुनि थे, और एक कुंभार का एक चौगान था, मतलब पहले के काल में जहाँ जगह मिलती है, कुंभार का एक अड्डा था, वहां जाके थे, कुंभार क्या करता है मटका बनाता है, बाल मुनि को एक ऐसा पता नहीं क्या हुआ, एक कंकर लेके वो मटके को तोड़ रहे, वो कुंभार ने देख लिया, आगे मुनि के बोला ये क्या कर रहे, ऐसा करेगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, उसने बोला मिच्छा में दुबड़ा, वो चला गया, ठीक है मिच्छा में दुबड़ा मांगा तो उनके दिल में भी होगा, नहीं ये भी महान है, वापस उसने कंगन लगाया, वो वापस आए बोले वापस मिच्छा में दुबड़ा, ऐसा 3 बार किया, अभी वो कुंभार की छठ, पहले ही बार मिच्छा में बोला तो उनको भी लगा ये महान है, करने की गलती हो गई तो एक्सेप्ट भी करते हैं, आजकल ऐसा बहुत है गलती के बाद एक्सेप्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, दलील देते हैं, तर्क करते हैं, ऐसा है ना, सबसे ज्यादा है ना महान यही है, गलती करने के बाद उनको एक्सेप्ट करना, आज कोई एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं, मैं ही सही हूं, कोई संघ हो, कोई समाज हो, कोई घर हो, अगर झगड़े ज्यादा होते क्लेश होता है तो यही बात से होता है कि गलती करने वाला इंसान अपने को महान समझता है, एक्सेप्ट नहीं करता, इन्होंने हर बार एक्सेप्ट भी करते थे, लेकिन कुंभार को लगा भाई ये गलती नहीं करते और बार बार मिच्छा दुबड़ा मांगते, भी कुंभार ने क्या सीधा आके मुनि भगवान को पकड़ लिया, मुनि भगवान को पकड़ के कान के अंदर कंकर, बड़ी कंकर कान के अंदर डाल दी, जोर से डाल दी, मुनि भगवान चिल्लाए तो बोले महाराज मिच्छा में दुबड़ा, दूसरी बार डाली बोले मिच्छा में दुबड़ा, फिर वो रोने लग गए, फिर छोड़ दिया, अपनी बात थी, वो तो छोटे बच्चे थे, तो ऐसा हो जाता है कुतूहल, एक बार गलती करो दूसरी बार करो, बार बार गलती करना फिर मिच्छा में दुबड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके घर में एक बार झगड़ा हो गया पता चला कि इसी वजह से होता है और दूसरी बार वही चीज दोबारा बनती है तो समझ लेना कि आपकी ही गलती है, होता है सामने कितनी बार झगड़ा होता है घर में, होता है कुछ आपके घर में कुछ होता है, सबके घर में होता है, सबके घर में कुछ कुछ होता है, सबके घर में होता है, फिर भी आपको संसार अच्छा लगता है, आप ऐसे बोलते हो सबके घर में झगड़ा होता है फिर भी वो संसार में क्यों रहते हो, फंस गए वैसा नहीं, फंसने के बाद भी अगर आदमी को पता चले मैं फंस गया तो निकलने का ट्राई नहीं करता, आप बोलेंगे फंस गए तो आपको निकलने का कभी ट्राई किया, पहले बोलते हो कि सबके घर में झगड़े होते हैं संकल्प होता है, फंस गए तो भी निकलने का कुछ प्रयास है, कोई प्रयास भी नहीं है, पता है कि संसार इतना मुश्किल है फिर भी वही अच्छा लगता है, आपके घर में आप एक ध्यान रखो भले आपने दीक्षा भी नहीं ली लेकिन घर को ऐसा वातावरण बनाओ, धार्मिक वातावरण बनाओ, सुबह उठ के घर में भी लगना चाहिए कि हम जैन है, बच्चे पूजा करने जाते हैं, सुबह उठ के ऐसे एक हैबिट लगाओ भाई दर्शन के बिना हमें नौकर भी नहीं मिलेगा, आप भी चोरिया करो, बच्चे को भी लिमिट बना दो, आप भी टीवी 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखेंगे, 12 बजे के बाद टीवी नहीं देखेंगे, ऐसा कोई रूल्स बना दो, आपके घर में धर्म जैसा लगेगा, बाकी तो संसार में रुपया है तो सब कुछ चलेगा, कोई मतलब नहीं, ऐसे कोई संस्कार बनाए रहो, अपनी बात की जितने भी अपने साधर्मी के अपने कोई दुश्मन है उनको पारस्परिक समापना करेंगे, ये कर्तव्य हो गया। तीसरा
आज पांचों कर्तव्य खत्म करता है, चौथा कर्तव्य है रक्तम का तप। पाक्षिक का पाक्षिक यानी कि हर चौदस को एक उपवास करना चाहिए, हर चौमासी को छठ करना चाहिए, हर संवत्सर यानी कि एक साल में अक्षम करना चाहिए कि अपने शास्त्र का एक प्रायश्चित साधु हो, साथी हो, शावक हो या शाली हो, सबको दिया गया। अभी क्या एक साल का कुछ ना हुए तो एक साल में हम अट्ठम तो अवश्य करेंगे, यानी कि परिश्रम पर्व में। आज तीसरा दिन है, सबको अट्ठम है। अट्ठम नहीं होता है तो एक उपवास कर देकर तीन उपवास होना चाहिए। तीन उपवास नहीं होता है तो छह आमेल करो, छह आमेल नहीं होता है तो नौ निवी करो, नौ निवी नहीं होती है तो अठारह बेसना करो, अठारह बेसना है तो छत्तीस बारह बेस अठारह अठारह क्या हुआ अठारह एकासना छत्तीस बेसना और छह हजार स्वाध्याय उतना अवश्य करना पड़ता है, कंपलसरी करना पड़ता है। तीन उपवास, पहला नंबर में अठम, अठम नहीं हुआ तो तीन उपवास परिश्रम के अंदर। आपको बताया कि मैं परिश्रम पे उपवास करने की मेरी ताकत नहीं हो तो आपको परिश्रम पहले से एकासना चालू करना चाहिए था। अभी आप सोचोगे मैं बाद में एकासना करूंगा तो भी नहीं चलता है। आपको पता है कि हर बार हम सुनते परिश्रम पर्व आने वाला ही, आपको पता ही हर बार पता है कि अट्ठम का तब आता ही है, तो भी आपको ऐसी इच्छा कि मैं परिश्रम पर्व में अट्ठम करूंगा, एक सावक का कंपलसरी कर्तव्य है परिश्रम करने का, अट्ठम तक अवश्य करना है। जिनकी शक्ति है जिनकी भी ताकत है, समाचारी आने वाले समाचारी के तीन दिन पहले से सोच लेना मेरे को अट्ठम तब करना ही है। ना केतु का सबको स्टोरी पता है तो वो मैं नहीं लेता हूँ, टाइम नहीं। ना केतु पता है अट्टम तप के प्रभाव से, अट्टम तप में वो मर गए, मृत्यु हो गई, सीता क्या बने, इंद्र बन गए। एक अट्टम तप का इतना प्रभाव, परिश्रम पर्व था, अट्टम का तप किया, छोटा था, हो नहीं पाया, मर गए, दूसरे मुझे सीधे हो गए, इंद्र हो गए। पांचवा कर्तव्य है चैत्य परिपाटी, चैत्य यानी जिनाले, देरासर मंदिर जो भी बोलो, चैत्य परिपाटी जितने भी हमारे आजू बाजू में जिनाले हैं वहाँ संघ के साथ जाएंगे, जहाँ जहाँ संघ ने पहुंचता है वहाँ हम जाके चैत्य परिपाटी सब परिवार जाके करेंगे। पांचों कर्तव्य हमको परिश्रम में अवश्य करना ही है। फर्स्ट कर्तव्य बोलो तो याद करिए, तो भी आप करोगे कैसे, सबकी आवाज आनी चाहिए। पांच अवश्य कंपलसरी करना है, बिना गला फाड़ और आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या मतलब। फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड, थर्ड पारस्परिक समापन, फोर अट्टम तप और पांचवा सब करेंगे, सब करेंगे बोलो तो सही। भगवान ने कहां तक बनाया भाई, तेरे से तीन उपवास नहीं होता है तो अवश्य पालन करेंगे ही। ये पांच कर्तव्य का पालन हमको अवश्य करना है, अपनी बात की सादरी भक्ति अगर संघ में हो या ना हो हम अवश्य करें। निवी क्या होता है, निवी का मतलब एक टाइम खाना होता है, जैसे एकासना करते हैं वैसे ही वापरना है, उतना फर्क है कि एकासना में लियो तो ही वापर सकते हैं, लियो तो ही वापर सकते हैं, और निवी में ऐसा है लियो तो नहीं वापर सकते। सेकंड नंबर कठोली वापर सकते हैं, निवी में कटोरी वापर सकते हैं, और निविया का दूध यानी घी, दूध भी अगर दूध नहीं घी भी आपको वापरना है तो उनको गर्म करना होगा, अंदर थोड़ा सा लोट क्या बोलते आटा, आटा डालना पड़ेगा, थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा, चाहे आपको दूध वापरना हो चाहे दही वापरना हो कोई भी घी वापरना हो तो ऐसे ही वापर सकते हैं। मिष्ठान में भी ऐसा है कि फर्स्ट तीन जो निकलता है तीन घंट वो घंटा भी नहीं चलता, तीन घंट के बाद जो भी मिष्ठान फर्स्ट निकलता है वही चलता है निवी में। आजकल कोई निवी नहीं करता, करते कोई निवी वाले हैं, करते अच्छा है बढ़िया। संघ में देखो इतने बड़े अच्छे भी सावक है, ऐसा कुछ नहीं, संघ महान है, संघ 25वां तीर्थंकर है, संघ में भी ऐसे सावक बोलते हैं। अपने संघ में एक का सारी टाको एक सबसे बड़ा कब चल रहा है बताए आपको, भाइयों को पूछ रहा हूँ,
बजरंगगढ़ तक 125 दिन का तक 125 उपवास आता है हर एक बारी में। ऐसा कब भी चल रहा है, इतना बड़ा संघ है, महान संघ है, जितने भी आप सामूहिक में आराधना करेंगे उतना अच्छा आनंद आएगा। जिनका भी आज तीन उपवास है, तीसरा वो अट्ठे की भावना रखना, तो भी परिश्रम करो कि आज दिन तक अभी तक गर्मी है तो आपको थोड़ा भारी पड़ेगा। दूसरी बात, कई लोग आते हैं तो बोलते हमारे 11 बजे तक के पहले पानी वापस सकते कि नहीं वापस सकते, अभी देखो गर्मी है, आप 1 बजे जाके पानी वापरेंगे तो वो पानी सीधा पीक होगा। अगर आपको पानी वापरना है, नौकासी का टाइम आ गया, आधे घंटे के बाद पानी वापर सकते, कंपल्सरी कुछ नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी कहाँ लिखा है, कंपल्सरी कुछ नहीं है। वो तो एक ऐसा है कि अगर आपको शरीर साथ देता है तो वो करो, नौकासी के बचकान तो वो पानी को वापर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कंपल्सरी नहीं। वो तो एक बनाए रखा है कि क्योंकि आप 1 बजे अगर पानी वापरेंगे तो 100% पीक होगा, गर्मी में पानी गया तो पीक ही करने वाला है, आप अगर सुबह आपने पानी वापर ले तो वो पीक नहीं होगा। तो सीधे वाले भी ध्यान रखना, अभी आपकी ताकत पानी है, भले आप 12-1 बजे करते हो तो उसके बाद नौकासी के आधे घंटे के बाद पानी वापर ले, ऐसा कोई दोष नहीं लगता है, कोई आपको बोले तो ऐसा मानता नहीं, अपने को अपना शरीर देखना है। तुम इतना उपवास हो गया है, 2-3 उपवास, शरीर में आते भगवान ने वहां तक भी पता है, शरीर में आते कलु धर्म साधन, जबरदस्ती भी नहीं करता है, वो भी भगवान ने बताया है। भगवान ऐसा नहीं बोला भाई तेरे को जबरदस्ती भी करना पड़ेगा, यथा शक्ति है, आपका मन साथ देता है, मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सिर दुखे सहन करो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 28 के बाद आपको 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, भले बाड़ा कर देने का, लेकिन जबरदस्ती नहीं कोई चीज करनी, वो भी भगवान ने बताया। अपनी बात है, पांचों कर्तव्य हम परिश्रम में अवश्य पालन करेंगे, कल से कल सुबह का प्रारंभ होगा, चढ़ावे यहाँ बोले जाएंगे और कल सूत्र के अंदर जहां जहां महावीर स्वयं भगवान का नाम आता है, आपको पता है पहले के जमाने में ऐसे सावक थे, कल सूत्र जब जब सुनते थे ना, जहीं कहीं भी भगवान महावीर शब्द वर्ण नाम आता था ना, तो एक सोना मोर रखते थे, पता है आपको, अभी सुना है, जहां जहां महावीर शब्द कल सूत्र में सोना मोर रखते थे, जहीं भी महावीर शब्द आता है तो जिन जिले ताकत है वो रखते थे। आपकी ताकत है तो आप थाली लेके आना रखना, और सारा संकेत ज्ञान भंडार में, संकेत ज्ञान खाता में जाके एक भावना रखना, पता है ना 36,000 बोलते सावर 36,000 सोना मोर रखी, 36,000 सोना मोर किसने रखी थी, 36,000 जहां जहां महावीर शब्द, ऐसी भावना रखना कि महावीर शब्द जब भी आता है हर महावीर शब्द में कुछ ना कुछ, अगर आपको लेकिन यानी एक दिमाग में रखना है, काउंटिंग करना अपने हिसाब से, ऐसी भावना रखना कि मैंने भगवान की कुछ भक्ति करूँ, ये भी भगवान की जो वाणी है रियल स्टोरी है। आज इसलिए बता रहा हूँ कि कल सूत्र अगर कोई 27 बार सुनता है, शास्त्र में कहा है कि तीसरे भूमि मोक्ष होता है, लेकिन कैसे सुने, तो सुन सुन के जीवन में उतारे तो ऐसे नहीं होता, यहाँ भी आप सोते होंगे तो नहीं हो सकता, ऐसे व्याख्यान में मेरे को अच्छी नींद आती है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, शांति से बैठना होता है तो नींद भी अच्छी आती है। तो कल सूत्र सुनने की मांग, एक भी आपका वर्ड छूटना नहीं चाहिए, इनके एक एक अक्षर मंत्राक्षर समान, एक एक वर्ड मंत्राक्षर भरा हुआ है, भगवान ने बोला है, गंधर्व भगवंतों ने रचा है, भगवान की रियल स्टोरी है, एक भी वर्ड उसमें झूठा नहीं है, अविश्वास तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी भगवान की स्टोरी सुनना है। आपको लगेगा तो हर बार सुनते हैं, बार बार क्या सुनेगा, 5-10 मिनट लेट जाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा मत करना। जितने भी लोग यहाँ अभी बैठे हो ना, कल 9:30 को इतने लोग होने चाहिए, ऐसे आपको एक गुस्सा होना चाहिए, मेरा एक वर्ड छूट जाए ऐसा कैसे बन सकता है, गुस्सा नहीं है, मेरा टाइम मिला पूजा पूजा लेकर करोगे तो चलेगा, बाद में पूजा होगी तो चलेगा, अष्टप्रकारी पूजा कम होगी तो चलेगा, भगवान का एक भी चरित्र का वर्ड छूटना नहीं चाहिए। सब एग्री कैग्री के बोलना पड़ता है, आज के संसार की जगत में हर जगह टर्म एंड कंडीशन आता है, आता है ना, चाहे आधार कार्ड भरना हो, चाहे कुछ भी सिम कार्ड लाना हो, कुछ भी हो, फ्लैट लेना हो, हर जगह होता है ना स्टार होता है, क्या होता है अप्लाई तो टर्म है, और यहाँ कोई नहीं, यहाँ की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ कोई टर्म एंड कंडीशन कुछ नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ ऐसा नहीं चलता है। 9:30 को सब आ जाएगा, लगना चाहिए और 9:30 के बाद को 9:31 को आते उनको लगना चाहिए क्या माहौल है, ऐसा होना चाहिए कि तो जब जी जाए आने का, जी जाए तो उठ जाने का, ये कोई रूल्स है ही नहीं, ऐसा कोई रूल्स बनाओ। आपकी अगर बच्ची की शादी हो, आपका जवाई का कुछ प्रोग्राम हो, आप इसमें से जाओगे,
आपका जो है फंक्शन है, आपको इन्विटेशन मिला है, 500 लोग बैठे हुए, आप इसमें प्रोग्राम छोड़ के जाओगे? क्यों नहीं जाओ? जमा इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्वामी इम्पोर्टेंट? जमा इम्पोर्टेंट है तो महावीर स्वामी ऐसा ही समझना है कि महावीर स्वामी रियल में है। भगवान का भगवान कैसे विहार करते थे, भगवान ने कैसे उपवास किया, भगवान ने कैसे प्रार्थना किया। खाली आंखें बंद करके सोचते ना भगवान ऐसे समझते कि मुझे खड़े थे, खाली सोचे तो आपके अनंत अनंत कर्म के क्षय हो सकते हैं। भगवान कैसे थे पूरा रियल स्टोरी है, कैसे जंगल में जा रहे थे, कैसे उत्सव कर रहे थे, कैसे भगवान की माता को समझाए। लेकिन वो सब कम मजा नहीं है, पहले से भूमिका बना के लो। आज भगवान के बारे में सुनना, भगवान की क्या कितनी अच्छी स्टोरी है, ऐसा एक अहोभाव हृदय में होना चाहिए। या तो मूल्य सके बैठ जाते तो क्या मजा आएगा, ऐसे थोड़ा दूसरे को भी मोक्ष होगा। एक एक भगवान के एक एक दृश्य आंखों में आने चाहिए। चारे तमो ने जय पड़े सोया हसे के धन्य है, धन्य से यानी कि भगवान को भी जो भी वक्त जिसने भी देखा हो कितना धन्य हो गया हो। तो ऐसे भगवान को पहले से हृदय में बिठा के ला, ये भगवान मैं तेरी ही वाणी सुन रहा, आपको ही मैं देख रहा हूँ, ऐसा एक हृदय में धारण करके आना, बहुत मजा आएगा। आप खाली ये पक्ष में ऐसा करके देखो, रियल में भगवान आपको दिखने चाहिए। अपने को तो स्टोरी में मूवी में पिक्चर में बहुत सारे चित्र देख के अपनी आंख को बिगाड़ दी, आंख तो बिगड़ गई है, मन बिगड़ गया। आंख बिगड़ी मतलब दिखना बंद हो गया, ऐसे नहीं, आंख में आपका आपका जो देखने का तरीका है ना वो चेंज हो गया। अच्छा कहीं दिखता नहीं, गलत हर निमित्त में गलत आपको विचार आते, गलत देख लेते, बराबर है। इसमें कुछ देखना नहीं है, सुनना है, लेकिन सुनने के बाद आपको आंखों के अंदर दृश्यमान भगवान होने चाहिए। सबसे बड़ी बोले साधना ये है। पहले के जमाने में ऋषि मुनि ना जमीन से अंतर हो जाते थे, कैसे होते थे, उनका दिमाग ऐसा हो रहा सही हो जाता, ऐसा सोचते सोचते इस भाव में जमीन से सीधे अंतर होता, ऐसी भावना के साथ सब सुनना। यहाँ जितना भी ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है सारा जेन साइट के अंदर कल से भी आएगा, आज तक का भी शायद जेन साइट पे आ गया है। बात यह कि आपके घर में जो बुजुर्ग है उनको भी ऐसा है कि मेरे को भगवान का भी चरित्र सुनना है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड कोई भी jainsite.com लिखेगा उनको सुनने को मिलेगा, लेकिन एक दिन के पश्चात कल का है तो परसों ऐसे देखने को मिलेगा। आपको कई लोगों मेरे को पूछने का हमारा सर जेन साइट यानी क्या, आज तक तो मैंने शायद बताया नहीं। 6 साल पहले हम नागपुर के बिहार में थे, नागपुर में बिहार में थे तो एक ना मुसलमान के गांव में ठहरे थे। मुसलमान के गांव में एक प्रवचन था, सारा गांव मुसलमान, कोई भी मुसलमान नहीं हो रहे, कोई जैन कुछ नहीं, लेकिन वो मुसलमान यानी मुसलमान नहीं लगते थे, एकदम भाविक लोग थे। कोई भी महात्मा थे तो उनकी भक्ति करते थे। और उधर उनकी एक बोलते हैं पाठशाला थी, पाठशाला में 11,000 बच्चे थे, मलकापुर के आगे ऐसे इतने बच्चे 11,000 मतलब वहाँ ही खाने का वहाँ ही रहने का वहाँ कुछ। तो वहाँ का जो मैनेजर था ना उसने ऐसा बोला, हमारा एक ऐसा SMS ग्रुप चलता, एक साथ में 10 लाख को मैसेज जाता है, हमारे अंदर कुछ भी न्यूज होता है एक साथ में सबको पहुंच जाता है। अपने भी सोचा भी अपने जिन समय में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो वहां से शुरुआत की थी, आज तक 6 लाख मेंबर जुड़ चुके हैं। लेकिन मतलब सब कुछ आया तो TNT नंबर नहीं जाते, अभी भी जाता है जो अपटिंग करते हैं उनका जाता है, लेकिन 6 लाख को अभी भी जाने की संभावना है। लेकिन अभी एक नया तरीका स्टार्ट किया है, एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, आज शाम तक एकदम मतलब अपग्रेड एकदम नया लॉन्च होने वाला है कि फोटो भी आ सकती है, वीडियो भी आ सकता है। आज तक जो भी एप्लीकेशन में था ये तो वेरी सिंपल था, जिनके पास भी एंड्रॉइड का मोबाइल हो, अभी क्या होगा आपके सबके पास स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉइड का मोबाइल होता है, आप लोग हर तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कुछ लेना देना नहीं है, गेम वगैरह कुछ लेना देना नहीं, इतना महंगा मोबाइल वापरने के बावजूद भी अगर चेंज होना उनके अंदर कुछ है ही नहीं, तो इतना महंगा मोबाइल आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने सोचा भी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा रहने वाली साथ में चीज आपके पास क्या होता है, मोबाइल होता है, उसी के अंदर आपको कुछ इंस्टेंटली मिलना चाहिए। क्योंकि आज जमाना भी ऐसा हो गया, हमारे पास आप रोज नहीं आते हो, 8 दिन ये सब दिखते, 8 दिन के बाद भारत साहब क्या कर रहे हैं वो तो भगवान जानते हैं। तो आपके साथ जो चीज है उसमें तो खाली दृश्यमान हुए में क्या है, कभी भी आपको 14 से 18 में कल्याणा के शायद मैसेज आया आपको, शायद इच्छा हो आज मेरी अनुकूलता है, तो एक दिन भी अगर आपने 14 का पालन किया तो आपको तो लाभ ही है। आपने नहीं किया बच्चों को अगर आया तो बच्चों को भी लगे 5 दिन तो कुछ पालन करना चाहिए, 5 दिन तो धर्म होना चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन शाम तक शायद अपडेट होगी, कल आप जितने भी एप्लीकेशन शायद इंस्टॉल किए तो पहले अनइंस्टॉल करना वापस इंस्टॉल करना, क्योंकि पुराने में कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो भी कुछ ज्यादा आएगा नहीं। और जितने भी आपके सारे व्हाट्सएप के फ्रेंड हो कहीं तो सारे को शेयर करना, एक भी इंस्टॉल किया एक ने भी पालन किया आपको लाभ मिलेगा।
मेरे लोग सुन भाई एपी इलेक्ट्रिक है दोस्त लगता है तो फिर आप मोबाइल ही छोड़ दो ना। अब मोबाइल जब वहां पर ना कई लोग ऐसे देखो सिक्के की दो साइड होती है, कई लोग आते हैं भारत से अपने मोबाइल में तो वो इलेक्ट्रिक है ना, अपना खुद का स्वार्थ होता है तब कोई दोस्त नहीं लगता है, धर्म की जब बात आती है तब दोस्त लगता है, बराबर है, ऐसा सोचने वाले भी है। एक भी मिला था मेरे को 15 दिन पहले, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, खाली उतना बोलता हूँ पिन वाले के थे सावत से, नहीं उनकी भावना बोलता सिद्धरे को महाराज साहब माइक में मत बोलो, प्रेम सुनी महाराज साहब के शिष्य की शिष्य हुआ अपनी ऐसी परंपरा माइक में नहीं बोलना चाहिए, मैं भी समझता हूँ नहीं बोलना चाहिए, मैं उनको बोला भी जितने भी महाराज साहब है ना मैं ऐसा नहीं बोलता, शायद स्पीकर मोबाइल में बात करते हैं वो माइक नहीं वापरते, अगर आपने स्पीकर मोबाइल में अगर मैं बात करता हूँ तो भी मेरे स्वार्थ के लिए करता हूँ, उसमें कोई शासन का काम है ही नहीं, और ये तो मैं टच भी नहीं करने वाला हूँ, और एक संता काम इसमें कुछ गलत होने वाला है, मोबाइल में गलत हो सकता है, चाहे साधु साधी हो साव कैसा भी कुछ भी गलत हो सकता है, अगर यूज करना नहीं आया इसमें तो स्वार्थ का कुछ है ही नहीं, तो कभी भी है ना ऐसा मत सोचो। आज कई लोग धर्म से दूर क्यों जाते हैं, अपने दिमाग में कचरा इतना लेके आते हैं ना, फिर उनको अगर हम कितना भी अच्छा सुनाएंगे ना तो पीले होते उनको पीला ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, कहीं भी अच्छा सुनो भाई, अगर इधर बारिश आ गई पीछे वाले को आवाज सुनाई नहीं देती है, पीछे वाले बातें करेंगे तो क्या होगा, वल्लभ सुरी महाराज ने पहले बोला था मैं स्कूल बनाओ, किसी ने स्कूल नहीं बनाया, आज क्या परिस्थिति हो रही है, अपने सारे बच्चों को पादरी को चाहते 1 लाख रुपए का डोनेशन देके आते, उसका कुछ दो मास खाने वाले कुछ आचार वाचर कुछ नहीं, उनको 1 लाख रुपए आपका जाएगा, एक केजी वाले का बच्चे के लिए 1 लाख रुपए देने का, उस वक्त अगर आपने सोचा हो तो स्कूल बनाए तब लोगों ने विरोध किया, महाराज साहब बिना ही स्कूल की उससे अहिंसा लगती है, आज अपने कितने बच्चे हैं सब भी क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं, तो ऐसा कभी है ना जैन शासन में ही बड़ी प्रॉब्लम, कोई आ गया तो पीछे वाला टांग खींचता है, अपनी बात ही जैन साइड एक एप्लीकेशन भी है एक वेबसाइट भी है कि इसमें सारा नॉलेज है, कोई भी फ्री में देख सकता है, और 6 साल में आज तक किसी का डोनेशन नहीं लिया, वो बड़ी बात, कहीं तो कई जगह टिप नहीं किया भाई हमारे जैन साइड चले हमको रुपया, तो आज तक 1 रुपये का डोनेशन नहीं दिया, आप कभी भी रेक्सर में जब रेक्सर स्टेशन के सामने वैशाल इंडस्ट्री है वहाँ भी पब्लिक 29 में एक अपना जिन साइड का ऑफिस है, 4 लोग काम करते हैं, मंथली का 50,000 सैलरी है, आज तक किसी का डोनेशन नहीं लिया, चलता है किसी का डोनेशन ला वो भी लोग अगर आगे बोले मैं करूँ ऐसा होना चाहिए, लिया आज तक नहीं है, लेकिन 6 साल हो गए अभी तक चलता है, और अपना ऐसा एक टारगेट है कि जिन साइड डॉट मकल को रूपन करता है, उनको ये चीज नहीं मिलती है तो 7 दिन के अंदर आनी चाहिए 100% बोलता है मेरे को 138 के नाम चाहिए, 138 के सेतु के नाम क्या है वो चाहिए, तो वो आना चाहिए, कि आजकल ऐसा है कि इंटरनेट आप सब लोग यूज करते हो, कभी भी आपको यूज करके मेरे को कोई स्टोरी जाननी है तो वहाँ सर्च भी आपको मिल सकता है, यहाँ कई लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वहाँ से भी ढूंढ के लाते हैं, आगे लोग जवाब तो जिन साइड से ही मिल जाते हैं, इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ आपका दिमाग उतना नहीं चलता, इतने सारे मुद्दे तो वहाँ तो खाली सर्च करना है सीधा आपको मिल जाएगा, अभी तो पेपर जितना है वो हो गया, अपनी बात है खाली आपको वहाँ सर्च ही करना था भाई इसका मीनिंग क्या होता सीधा आपको मिल जाता था, तो अपनी बात थी ऐसे जो भी चल रहा है उनका सपोर्ट करना चाहिए, अपनी बात नहीं चाहे कोई भी संस्था चल रही हो चाहे कोई भी अच्छा काम कर रही हो कोई मंडल हो ग्रुप हो सबका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे संघ हो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, जैन समाज ऊपर ले आता है तो यही वजह है, इतने दिन तक नहीं बोला कि इतने सारे लोग आते हैं इतने सारे लोग हैं आपका समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी टांग मत खींचो, अभी कीर्ति स्तंभ संस्था का हाड़े चा में क्या बनाओ क्या बना है 9 साल हो गया कितना साल 9 साल हो गया कितने माले का बना है पता है 9 माले का कितना करोड़ रुपया लगाया एक थोड़ा सभी मन के लिए काम रुक गया, अपनी बात है कि जैन समाज अपना इतना महान है भगवान ने बोला है एक क्षमा अपना होनी चाहिए, दूसरी बात अभी संवत्सरी आएगी कोई बोलेगा अभी ये संवत्सरी को मेरा मोक्ष होगा अरे ये संवत्सरी के दिन पाप लगता है ये संवत्सरी करेगा ऐसा भी नहीं करेगा, आपको जहाँ इच्छा लगे वहां जाएगा, भगवान नहीं बोलेंगे भाई ये संवत्सरी के तरह मोक्ष होने वाला है ये तिथि नहीं तरह मोक्ष होने वाला है, भगवान ने कभी नहीं बोला 1 तिथि पार हो या 2 तिथि पार, ये तो एक अपनी व्यवस्था के लिए सब है, तो ऐसी भी निंदा नहीं करेंगे जिनको 2 तिथि करना है 2 तिथि करे जिनको 1 तिथि करना है 1 तिथि करे, अपने को किसी का विरोध भी नहीं करने का कुछ नहीं करने, एक संवत्सरी के दिन मारा मारी पे आ जाओगे ये कौन सा धर्म हो भाई, भारत भर के कई संघों में हर संवत्सरी को होता है न्यूज पेपरों में आता है तो लोग दुनिया क्या सोचेगी कि ये लोग परिश्रम के पर्व में झगड़ रहे, तो अपनी बात है जहां कहीं भी जैन शासन का काम होता है तो सपोर्ट देना चाहिए, और आज कल मैंने जाहिर किया था मानिपुत्र वीर पूजन का 6 अक्टूबर को दिन सुबह
सुबह 10 से 1:30 बजे तक माणिक पूजन रहेगा अपने यहाँ संकेत वाड़ी के अंदर। 9 दिन माणिक की विधि का की स्थापना होगी। 9वें दिन यहाँ पूजन होगा। यहाँ पर शायद 200 कपल की जगह ज्यादा नहीं है, 100 कपल हमारे वार से आते हैं हर साल, 9 साल से आते हैं अपने खाली 100 कपल को यहाँ जगह है। वो भी समय जो लाइन से आएगा उनको यहाँ बिकने को मिलेगा। 100 मेरे पास रहेगा, 100 यानी कि वो भी मैं 100 यानी 50 पास ही मेरे पास रखूंगा, यानी कि 100 से 101 मेरे पास रहेगा, 101 से अपने संघ में दिया जाएगा बराबर। और हमारे जो है ना इधर बिठाएंगे अपने संघ को मेन बिठाएंगे, तो आपको भी नहीं लगना चाहिए पहले आपका संघ हमारे मेहमानों इस साइड बिठा देंगे, आप लोगों को इधर ही बिठाएंगे, तो 101 जो आएगा वो इधर से ही चालू होगा। और कोई 300 नंबर लेके आता है चाहे कोई भी हो बड़ा इंसान हो उनको 300 नंबर यानी कि गेट के पास पीछे बिकना पड़ेगा। 400 नंबर आए तो सीधा ये रूम में जाएगा, बस जितने भी पीछे वाले दर्शन है रूम में जाना पड़ेगा, जगह ही नहीं है, देखने वाले का भी जगह नहीं रहेगा, देखने वाले को ऊपर से देख सकते, बाकी समझ लो 350-400 ये रूम में आ जाएगी, 4-5 पाटला उधर रूम में और पीछे तक पाटला रहेगा, क्योंकि इधर जगह है ही नहीं, पूरा सामग्री देना है, खाली भर के तो सामग्री होगा, एक पाटला के ऊपर मूर्ति होगी। तो जिनकी भी भावना हो 101 से लेके यहाँ पास दिया जाएगा, जो पहले पास लेगा उनका नाम रहेगा, 100 कपल।